जी सॉरी, मेरे कंप्यूटर का जो कनेक्शन है वो एकदम से डिस्टर्ब हो गया जी। तो हम कर रहे थे कोडिंग और वहां जाके फिनोमिना समझ रहे थे। अगर यहाँ पे कॉपी ट्रेट ही इम्प्लीमेंट हुआ होता तो ऐसी सूरत में इशू क्या आता कि हमें चूंकि स्ट्रिंग के अंदर कोई लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा भी आ सकते हैं, तो अगर हम ये वाई वाई टू एक्स एक्स करते हैं और एक्स एक्स के अंदर कोई लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान की जगह, तो ये काफी मेमोरी इंटेंसिव ऑपरेशन बन जाता। ठीक है, तो इसलिए डिफॉल्ट में इस तरह की स्टेटमेंट स्ट्रिंग के लिए लिखना या ऐसी डेटा टाइप्स के लिए लिखना जो कि हीप पे स्टोर हो रही होती है, तो रस्ट उसको कॉपी की जगह मूव कर देता। यानी कि स्ट्रिंग के लिए या हीप बेस्ड डेटा टाइप्स के लिए डिफॉल्ट जो ट्रेट होता है वो मूव ट्रेट होता है, ना कि कॉपी ट्रेट। कॉपी ट्रेट इस केस में होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के केस में, कि जब भी आप किसी प्रिमिटिव डेटा टाइप के वेरिएबल के लिए इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं जैसे यहाँ पे है वाई इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू वाई में कॉपी हो जाती है, कॉपी ट्रेट। लेकिन इसी टाइप की कमांड अगर आप हीप बेस्ड वेरिएबल्स के लिए दें तो वो बजाय कॉपी होने के मूव हो जाते हैं। जो पुराना वेरिएबल है वो अपना स्कोप खत्म हो जाता है उसका, वो इनवैलिडेट हो जाता है, और जो नया वेरिएबल होता है जैसे कि यहाँ पे वाई वाई है, अब उसको उस डेटा की ऑनरशिप मिल जाती है, और जो पुराने वाला वेरिएबल होता है वो चूंकि मूव हो चुका होता है तो वो स्कोप लूज करने की वजह से इनवैलिड हो जाता है। अभी जो मैं एरर आ रहा है वो इस एक्स एक्स की वजह से आ रहा है, क्योंकि इस कमांड के एग्जीक्यूट होने के बाद एक्स एक्स इनवैलिड हो गया कॉपी मूव ट्रेट की वजह से। अब जो करंट वेरिएबल एक्टिव है वो है वाई वाई। अगर हम यहाँ पे एक्स एक्स की वैल्यू को डिस्प्ले करवाने की कोशिश करेंगे तो ये एरर देगा। एरर क्यों देगा कि अब करंट स्कोप में जो एक्स एक्स वेरिएबल है वो इनवैलिड हो चुका है, वो ड्रॉप हो चुका है कह लें हम। अगर हम यहाँ से इस एक्स एक्स को निकाल दें और अब इस प्रोग्राम को चला के देखें तो हम देखते हैं कि ये हमें एरर देता है कि नहीं देता। हम चलते हैं अपने टर्मिनल विंडो पे, यहाँ पुराना जो एरर आ रहा है उसको क्लियर करते हैं और कार को रन करते हैं। तो देखिए अब उसने वाई वाई के अंदर वो जो वैल्यू है पाकिस्तान की वो शो कर दी है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वही एक्स एक्स वाली कमांड देने की कोशिश, यानी कि एक्स एक्स को इस वक्त प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे तो हमें एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? एरर इसलिए आएगा कि एक्स एक्स उस कॉपी ट्रेट या मूव ट्रेट की वजह से अब इनवैलिडेट हो चुके। ठीक है, ये देखिए कि जितने भी स्ट्रिंग या हीप बेस्ड डेटा टाइप्स होते हैं वो मूव ट्रेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसमें जब आप इस टाइप की कोई क्यूरी पास ऑन करते हैं, कोई कमांड पास करते हैं लाइक जिस तरह यहाँ पे लेट वाई वाई इक्वल टू एक्स एक्स, तो ऐसी सूरत में एक्स एक्स के अंदर जो भी वैल्यू होती है वाई वाई में मूव हो जाती है, और जो ओल्ड वेरिएबल है लाइक यहाँ पे एक्स एक्स वो इनवैलिड हो जाता है। जबकि जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं ये कॉपी ट्रेट इस्तेमाल करते हैं और इनकी वैल्यू सोर्स से डेस्टिनेशन में कॉपी होती है, यानी कि एक्स के अंदर भी अपनी कॉपी रहती है और जाहिर है फिर एक्स इस वजह से वैलिड वैलिड भी रहता है, और वाई के अंदर उसकी कॉपी चली जाती है तो वाई भी क्रिएट हो जाता है और इनिशलाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये फर्क होता है कॉपी ट्रेट में और मूव ट्रेट में। तो जितनी भी हमारी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो यूज करती हैं कॉपी ट्रेट। ठीक है, जिस तरह की यहाँ पे आ रहा है कि हमने फाइव वैल्यू जो है बाइंड की एक्स वेरिएबल में, देन जब हमने वाई इक्वल टू एक्स किया तो उसने क्या किया कि एक्स के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी थी उसको कॉपी करके वाई के साथ ही बाइंड कर दिया। अब हमारे पास दो वेरिएबल आ गए एक्स और वाई, और दोनों के अंदर अपनी अपनी फाइव फाइव वैल्यू दी हुई है। लेकिन जब यही काम हम स्ट्रिंग में करते हैं तो
अब कॉपी नहीं होता क्योंकि स्ट्रिंग हीप बेस्ड डेटा टाइप है, और हीप के ऊपर जो डिफॉल्ट ट्रेट होता है वो मूव का ट्रेट होता है। तो जब हमने जो एग्जांपल दी हुई है, जैसे हमने एक अपनी एग्जांपल रन करके देखी और एक एग्जांपल यहाँ पे भी दी हुई है, यहाँ पे हमने एक एस वन का वेरिएबल क्रिएट किया स्ट्रिंग टाइप का और उसके अंदर वैल्यू डाल दी हेलो, फिर हमने कहा कि लेट एस टू इज इक्वल टू एस वन। तो अब क्या होगा कि एस वन की वैल्यू एस टू में मूव हो जाएगी, अब एस टू के अंदर आ जाएगा हेलो और एस वन इनवैलिड हो जाएगा। ये उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। होता ये कि जब आप अगर इस वाली एग्जांपल को कंसीडर करें कि लेट एस इज इक्वल टू स्ट्रिंग डबल कॉलन फ्रॉम हेलो, तो क्या होता है कि मेमोरी में दो जगह पे कुछ होता है, और ये क्या कुछ होता है ये हम देखते हैं। सबसे पहले तो स्टैक के ऊपर, ठीक है, स्टैक के ऊपर एक इस तरह का टेबल बनता है एस वन नाम के अंदर रहते हुए, उसके अंदर पॉइंटर की वैल्यू आ रही होती है और पॉइंटर की वैल्यू के अंदर एड्रेस होता है आपके पहले उस जो भी आपने स्ट्रिंग लिटरल बनाई है उसके जो पहला कैरेक्टर होगा उसका, वो जहां पे स्टोर हो रहा है उसका एड्रेस दिया होगा। फिर आगे लेंथ बताई गई होगी कि ये जो बेसिकली आपने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया है इसकी लेंथ क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे इस वाले की लेंथ थी 5, और फिर कैपेसिटी क्या है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ये भी हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे कैपेसिटी क्या होती है लेंथ क्या होती है। एनीवे फिलहाल आप ये समझ लें, नंबर एक तो ये कि स्टैक के ऊपर इस तरह की एक तीन सेक्शंस वाली एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसमें डाटा स्टोर होता है। पहला उसके अंदर डाटा होता है पॉइंटर का, ये वो पॉइंटर वो एड्रेस होता है जहाँ पे आप एक्चुअल डाटा उस स्ट्रिंग का सेव हुआ है। फिर उसकी लेंथ की वैल्यू सेव होती है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ बाइट्स हैं, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है, और नंबर तीन है कि उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है। अब अगर हम इस पॉइंटर के अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई है, जो एड्रेस लिखा हुआ है, अगर हम उस एड्रेस के ऊपर जाएं तो वहां पे इंडेक्स वाइज 0, 1, 2, 3, 4 के अंदर एक एक कैरेक्टर दिया हुआ होगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन होती है इन रैम, कि जब हम कोई हीप बेस्ड वेरिएबल बनाते हैं, जिस तरह कि हमने यहाँ पे हमने कहा था, ये पिछली वाली स्लाइड में देखें, ये वाली जो हमारी कमांड चली थी लेट एस वन इज इक्वल टू स्ट्रिंग फ्रॉम हेलो, ठीक है, तो इसने बेसिकली इस तरह से मेमोरी में डाटा को सेव किया। जो एक्चुअल डाटा है वो हीप पे सेव हुआ, वो ये देखिए ये दिया हुआ, और उस डाटा के बारे में डाटा जो है वो स्टैक के ऊपर सेव हुआ है। उसके बाद हमने सेकंड कमांड चलाई, हमने कहा एस वन इज इक्वल टू एस टू। तो अब उसने क्या किया, उसने सिंपल स्टैक के अंदर एक नया स्टैक का स्ट्रक्चर क्रिएट किया, ये वाला एस टू के नाम से, और उसके अंदर ये वाला जो स्टैक की वैल्यूज है ना, मेरा पॉइंटर काम नहीं कर रहा, मैं जरा दोबारा ट्राई कर लूं जी। अब उसने क्या किया कि ये जो s, जब हमने कहा ना कि लेट s1 s2 इक्वल टू s1, तो उसने ये वाला मेमोरी स्ट्रक्चर उठाया और इसको उठा के यहां s2 के नाम से कॉपी कर दिया। अब क्या हुआ कि जो इस जगह पे
जो सारे का सारा डाटा पड़ा हुआ था इसको कॉपी करने की जरूरत पेश नहीं आई। सिर्फ उसने यहां से ये पॉइंटर, उसकी लेंथ, उसकी कैपेसिटी, ये तीन वैल्यू जो हैं, इनको उठाकर S2 के नाम से नया स्ट्रक्चर बना के इनको कॉपी कर दिया। और जब ये कॉपी कंप्लीट हो गई, जैसा कि हमने बताया कि ये एक मूव्ड रेट होता है, तो उसने उसके बाद इसको S1 को इनवैलिडेट कर दिया। अब अगर आप मेमोरी में S1 को एक्सेस करने की कोशिश करें, S1 को प्रिंट करवाने की कोशिश करें, तो आपको एरर आएगा, बिकॉज अब S1 मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये जिस जगह को पॉइंट कर रहा था, उस जगह को किसने पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया, अब S2 ने उसी लोकेशन ऑफ द मेमोरी को पॉइंट करना शुरू कर दिया। अब आप S2 को प्रिंट करवाएंगे तो वो क्या करेगा कि यहां से पॉइंटर की एड्रेस लेगा, और एड्रेस लेने के बाद वो उस जगह पे जाके वहां पे जो भी डाटा पड़ा हुआ है उस डाटा को आपके सामने प्रिंट करवा देगा। यहां तक या बीच में कोई भी सवाल हो तो आप लोग बिला दखल पूछ सकते हैं। अब यहां पर ये बता रहा है कि अगर यही वाला काम हम कॉपी ट्रेड के थ्रू करते, या अगर रस्ट ने कॉपी ट्रेड इंप्लीमेंट किया होता हीप बेस्ड डाटा के लिए भी, तो फिर क्या होता कि देखें, ये हमारे पास एक मेमोरी का स्ट्रक्चर बना हुआ था जब हमने S1 डिक्लेयर किया था, तो इसमें एक हीप के ऊपर कुछ डाटा पड़ा हुआ था और फिर कुछ डाटा हमारा स्टैक के ऊपर पड़ा हुआ था। अब अगर ये कॉपी बेस्ड ऑपरेशन होता तो क्या होता कि रस्ट का प्रोग्राम जो हम कहते हैं लेट S2 इज इक्वल टू S1, तो पहले ये इस स्टैक वाले डाटा की कॉपी बनाता, ठीक है, ये वाली, और फिर उसके बाद इस हीप बेस्ड जो डाटा है इसकी कॉपी क्रिएट होती है। ठीक है, यहां पे अब रैम में एक तो ये वाला डाटा पड़ा हुआ होता और फिर एक ये वाला डाटा पड़ा हुआ होता, तो नंबर एक तो ये कि ये परफॉर्मेंस भी डिग्रेड होती, हमारी मेमोरी भी काफी एक्स्ट्रा यूटिलाइज हो रही होती सेम डाटा के लिए, और प्लस जैसा कि हमने देखा कि ये जो हीप बेस्ड डाटा होता है थोड़ा लेस एफिशिएंट होता है, थोड़ा स्लो होता है, तो ये कॉपी ऑपरेशन हमारे लिए काफी एक्सपेंसिव पड़ जाता है इन टर्म्स ऑफ रन टाइम परफॉर्मेंस। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए डिफॉल्ट में जो उन्होंने हीप बेस्ड डाटा टाइप्स है उनका जो ट्रेड दिया वो कॉपी नहीं दिया, वो मूव दिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक तो हमने ये देख लिया कि ये चूंकि डिफॉल्ट में अगर कॉपी ट्रेड होता तो ये काफी एक्सपेंसिव ऑपरेशन बन जाता। उस एक्सपेंसिव ऑपरेशन से बचने के लिए इन्होंने नंबर एक तो ये किया कि मूव ट्रेड इंप्लीमेंट कर दिया। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि जब वो मूव हो जाता है तो मूव होने के बाद जो पुराने वाला वेरिएबल था वो वॉश आउट हो जाता है, वो मजीद वैलिड नहीं रहता, इनवैलिड हो जाता है और अब आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो इसकी क्या वजह है ना, जहन में ये बात आती है कि अच्छा यार, अगर ये भी S1 भी पॉइंट आउट कर रहा होता, S2 भी पॉइंट आउट करता रहता, आप प्रिंट S1 करवाते तो वो भी यही काम करता। वो क्या करता कि वो यहाँ से पॉइंटर की वैल्यू पकड़ता और जाके वहां पे जो भी डाटा था शो कर देता। अगर हम कहते हैं जी प्रिंट LN S2 कर दें, तो वो यहाँ से वही वैल्यू पकड़ता और जाके मेमोरी में वहां से डाटा उठा के मूव कर देता, तो ये काम भी हो सकता था। तो आपका मतलब वो जो एक्सपेंसिव ऑपरेशन है वो भी ना होता, और प्लस उसके साथ साथ हमें ये फायदा हो जाता कि हम आराम से ये वाला काम कर सकते थे कि हमारे दोनों वेरिएबल भी वैलिड रहते। इसकी क्या वजह थी, क्यों रस्ट के डिजाइनर्स ने
S1 को जो ही S1 S2 में आप कॉपी करते हैं तो S1 इनवैलिडेट कर दिया जाता है, उसकी वजह आप यहां से देखें कि देखें हमने अगर हम सपोज कर लेते हैं कि वो रस्ट वाले इस तरह से कुछ इंप्लीमेंट कर देते इसको कि दोनों ही वैलिड रहे, अब क्या होता कि प्रोग्रामर जब S1 को एक्सेस करता तो S1 का पॉइंटर उसको यहाँ भिजवा देता और यहाँ से वो डाटा डिस्प्ले कर दिया जाता, वेरी वेल। फिर अगर आगे जाके किसी लाइन ऑफ कोड में वो कहता कि मैंने S2 को प्रिंट करवाना है तो वो रैम में यहाँ स्टैक पे आता है S2 वाले और यहाँ पे जो भी पॉइंटर की वैल्यू लगी हुई है वो उस पर जाता और उस पर जाके उसको प्रिंट करवा देता रैम से उठा के हीप पे से, ठीक है। तो यहां तक तो बिल्कुल जबरदस्त काम हो रहा होता। इशू कहां पे आता? इशू आता जब हम इस S1 को और S2 जिस फंक्शन या जिस स्कोप के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो स्कोप खत्म होता, एंड होता। तो हमने रूल नंबर 3 पढ़ा था कि जब ऑनर का स्कोप खत्म होता है तो उसकी वैल्यूज भी रैम में से वैनिश हो जाती है, ऐसा ही। अब हम सपोज करते हैं कि हमारा वो जो ब्लॉक ऑफ कोड था वो कंप्लीट हो गया रन होके, अब प्रोग्राम एंड होने लगा है या वो ब्लॉक एंड होने लगा है, और जब वो हमने देखा कि जब वो ब्लॉक एंड होता है तो ड्रॉप फंक्शन कॉल हो जाता है इससे रैम क्लियर होती है। अब हम सपोज करते हैं कि अब ये दोनों इस कंडीशन में थे कि S1 और S2 कॉपी रेट के ऊपर थे, उन्होंने इसका हीप बेस्ड डाटा कॉपी कर लिया था, सॉरी स्टैक बेस्ड डाटा कॉपी कर लिया था, हीप बेस्ड डाटा सेम था, दोनों एक ही जगह पॉइंट कर रहे थे। अब जब ड्रॉप का फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा कि वो सपोज हम करते हैं कि सबसे पहले S1 ड्रॉप हो रहा है तो क्या होगा कि वो जो रस्ट का प्रोग्राम है वो यहाँ पे आएगा, पॉइंटर की वैल्यू पड़ेगा और उसके बाद उस पॉइंटर पे जाएगा और वहां पे जो भी वैल्यूज पड़ी हुई थी उसको वॉश कर देगा, ठीक है। तो अब क्या किया कि जब ड्रॉप का फंक्शन कॉल हुआ तो उसने सबसे पहले इस को S1 के थ्रू इस हीप के ऊपर से डाटा को वॉश कर दिया। अब आगे गया, उसने कहा जी अच्छा हमारे पास एक S2 नाम का वेरिएबल भी बना हुआ है, उसका भी डाटा हीप पे है, चलो उसको भी वॉश करें। अब वो यहाँ पे आएगा, यहाँ से पॉइंटर की वैल्यू पकड़ेगा और अब जब वो जाके इस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा तो ये मेमोरी लोकेशन तो ऑलरेडी वॉश हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। अब जब ये इस मेमोरी लोकेशन को वॉश करने की कोशिश करेगा तो ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर होगा। हो सकता है कि जब आपने S1 को ड्रॉप किया तो S1 ने आकर इस मेमोरी को क्लियर करके इसको फ्री डिक्लेयर कर दिया, हो सकता है कि साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये मेमोरी लोकेशन किसी और प्रोग्राम के डाटा को साइन कर दियो, पॉसिबल है ना, क्योंकि वो रैम फ्री हो चुकी है तो उसका कोई भी यूजेज हो सकता है। तो क्या हुआ कि इधर से S1 जब ड्रॉप कॉल हुआ तो ये रैम फ्री हो गई और फ्री होने के बाद इन द मेन टाइम किसी और प्रोग्राम ने यहाँ पे लाके डेटा डाल दिया, इधर आपका जो रस्ट का जो कंपाइलर था वो यहाँ पे पहुंचा, उसने देखा जी S2 को भी मैंने वॉश करना है, वो S2 पे गया, इसने यहाँ से एड्रेस पकड़ा, एड्रेस पकड़ के जब इस मेमोरी को वॉश किया अब बजाय वो हेलो वाला डाटा वॉश होने की वो तो उसकी जगह कोई और प्रोग्राम अपना डाटा राइट कर चुका था वो वॉश हो जाएगा, ये तो उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे कि ये इसने तो किसी और प्रोग्राम का डाटा वॉश कर दिया, समझ रहे ना। इस वजह से उन्होंने इस खतरे से बचने के लिए कि जब दो मेमोरी के जो स्टैक के ऊपर जो रेफरेंसेस हैं वो एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हों तो ये ना हो कि यार एक को जब हम ड्रॉप करें तो वो तो उस डाटा को ड्रॉप कर दे, दूसरा जब जाके उसी मेमोरी के एरिया को दोबारा ड्रॉप करने की कोशिश करे तो वो किसी और प्रोग्राम का डाटा इनवैलिडेट ना कर दे। इससे बचने के लिए उन्होंने ये किया कि जब भी आप डिफॉल्ट में स्ट्रिंग या हीप बेस्ड डाटा के ऊपर इज इक्वल टू वाला वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो डाटा मूव हो जाता है और मूव होने के साथ जो पुराने वाला वेरिएबल होता है वो इनवैलिडेट भी हो जाता है उसी वक्त। ये कॉरेस्पॉन्ड करता है फिर रस्ट के
रूल नंबर टू ऑफ द ऑनरशिप की तरफ कि एक वक्त में एक डेटा का एक ही ऑनर होगा, दो ऑनर नहीं होंगे। और दो ऑनर होने के नुकसान अभी हमने यहाँ पे थ्योरेटिकली इसी वाली स्लाइड में डिस्कस कर लिया, ठीक हो गया ना। तो अगर कोई आपका सवाल है बीच बीच में तो आप साथ साथ ही पूछ सकते हैं। तो ये देखें, ये वही वाली बात बता रहे हैं जो हम ऑलरेडी अपने उस प्रोग्राम में प्रैक्टिस कर चुके हैं कि जब आपने S1 में कोई वैल्यू वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप की दी, फिर S2 = S1 की स्टेटमेंट कॉल करवाई, उसके बाद अगर आप S1 को एक्सेस करने की कोशिश करें, प्रिंट करवाने की कोशिश करें, कुछ भी करने की कोशिश करें, तो आपको एरर आएगा। और एरर क्यों आएगा? एरर इसलिए आएगा कि अब जो S1 है ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, और ये वाला एरर आ जाएगा। और ये साथ आपको बताएगा कि वैल्यू यूज्ड हियर आफ्टर मूव, ठीक है। और ये वही वाली रिप्रेजेंटेशन बता रहा है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये अब क्या होगा कि पहले S1 था और S1 इसको पॉइंट आउट कर रहा था, जब आपने S2 is equal to S1 की स्टेटमेंट कॉल की तो अब S2 ने इस एरिया को रेफरेंस देना शुरू कर दिया, और रैम में से ये जो कि S1 ग्रे हो गया या पर्पलिश हो गया, ये बात ये शो कर रही है कि अब S1 को इनवैलिडेट कर दिया गया, S1 अब वैलिड नहीं रहा, S1 का स्कोप खत्म हो चुका है। अगर आप S1 को एक्सेस करने की कोशिश करें तो वो आपको रैम में नहीं मिलेगा। अब सिर्फ एक ही ऑनर है S2 जो कि इस डेटा को रेफरेंस दे रहा है, इस डेटा को पॉइंट आउट कर रहा है। और अगर कभी आप कॉपी करना चाहें, आप कहते नहीं सारी बातें ठीक हैं, सिक्योरिटी भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है, और मैं चाहता हूं कि नहीं यार मेरा जो एक वेरिएबल है ना S1 उसकी कॉपी ही बने, वो मूव स्ट्रेट कॉल ना हो, तो उसके लिए फिर रस्ट ने स्पेशल आपको एक फंक्शन दिया हुआ है क्लोन का। तो वो कहता है कि अगर आप डिफॉल्ट में S1 is equal to S2 करते हैं या S2 is equal to S1 करते हैं तो मूव ट्रेड कॉल होगा। अगर आप जानबूझकर कॉपी ट्रेड कॉल करवाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि नहीं यार वो जो S1 के अंदर जो भी डाटा है उसकी कॉपी बने S2 के लिए, तो फिर आप S2 is equal to S1 करने के बजाय S2 is equal to S1 dot clone करें, तो जो क्लोन नाम का फंक्शन कॉल होगा ये फिर ये वाला काम करेगा कि आपके लिए S1 की पूरी कॉपी बनाएगा उसके स्टैक वाले डेटा की भी और हीप वाले डेटा की भी, और उसको फिर जाके S2 के अंदर स्टोर करेगा। अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम में और सेम यही वाली चीज इंप्लीमेंट करके देखते हैं अब हमें एरर आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो हम कहते हैं लेट वाई वाई इज इक्वल टू एक्स एक्स डॉट क्लोन, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक xx वेरिएबल बनाया जिसके अंदर पाकिस्तान लिखा, फिर हमने एक और वेरिएबल बनाया वाई वाई, और उसके अंदर हमने एक्स एक्स नाम का जो स्ट्रिंग वेरिएबल था उसको क्लोन करके इसके अंदर मूव कॉपी करवाया। अब यहाँ पे कॉपी ट्रेड कॉल होगा। कॉपी ट्रेड क्यों कॉल होगा कि अब हमने एक्स एक्स डॉट क्लोन को कॉल करवाया। क्लोन का काम ये वेरिएबल फंक्शन का कि वो कॉपी ट्रेड इम्प्लीमेंट करते हैं। और फिर अब हम इसको प्रिंट एलन करवा के देखते हैं कि अब हमें यहाँ पे एरर आता है कि नहीं आता। तो चलते हैं अपने टर्मिनल विंडो के ऊपर, तो ये देखें क्लोन कॉल कराने के बाद अब एक्स एक्स भी हमारा वैलिड हो गया और वाई वाई भी वैलिड हो गया, ठीक है। और ये हुआ हमारे कि जो क्लोन नाम का फंक्शन है उसकी बरकत की वजह से कि अगर हमने